दोस्तों 90 के दशक में रामानंद सागर के पॉपुलर सीरियल श्री कृष्णा को कौन भूल सकता है। आपने ये सीरियल जरूर देखा होगा। टीवी के इतिहास में ऐसे कई सितारे रहे हैं जिन्होंने कृष्ण बनकर पर्दे पर श्री कृष्ण के रोल को जीवन कर दिया, लेकिन सर्वदमन जैसी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी को मिली हो। लोग सर्वदमन को सचमुच का श्री कृष्ण समझने लगे थे और उनकी पूजा अर्चना करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण का रोल करने वाले एक्टर सर्वदमन डी बनर्जी लंबे समय से किसी टीवी शो में नजर नहीं आए हैं। दरअसल गुमनाम जिंदगी जी रहे सर्वदमन फिलहाल उत्तराखंड के ऋषिकेश में बच्चों को मेडिटेशन सिखाने का काम कर रहे हैं। 1965 के यूपी के उन्नाव में जन्मे सर्वदमन अब टीवी की दुनिया से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी। सर्वदमन इन दिनों नदियों पहाड़ों के बीच ऋषिकेश में रहते हैं। यहाँ वो मेडिटेशन सेंटर के साथ ही एक एनजीओ भी चलाते हैं। सर्वदमन के एनजीओ का नाम पंख है। इसके जरिए वो 500 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं। सर्वदमन ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। श्री कृष्ण की भूमिका में नजर आने के बाद लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी पूजने लगे थे। कई बार तो सर्वदमन को अपने फैंस या यूं कहें कि अपने भक्तों से बचकर निकलना पड़ता था। सर्वदमन ने 1983 में आई फिल्म आदि शंकराचार्य में भी मुख्य भूमिका अदा की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। एक इंटरव्यू में सर्वदमन ने बताया था कि उन्होंने आखिर फिल्म इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा। सर्वदमन ने कहा कि मैंने कृष्णा करते वक्त ही फैसला कर लिया था कि मैं 45 या 47 साल की उम्र तक ही काम करूंगा। ग्लैमर वाली दुनिया में वो ग्लैमर ही नहीं है जो देखने वालों को दिखता है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। बचपन से ही उनके अंदर आध्यात्मिक एनर्जी थी, फिर उन्हें मेडिटेशन मिल गया और वो पिछले 20 सालों से मेडिटेशन ही कर रहे हैं। उन्होंने बचपन का जिक्र करते हुए भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 5 साल के थे तो बोलते नहीं थे, लोग सोचते थे कि ये लड़का गूंगा है। फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो एक्टिंग में आए और श्री कृष्णा वाला प्रोजेक्ट जब चल रहा था उनका मन ग्लैमर वाली दुनिया से हट गया था। रामानंद सागर से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि अब उन्हें वो माफ कर दें, ये उनका लास्ट प्रोजेक्ट है।